की शाम हम सम्मानित करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड्स के द्वारा, जिन्हें आयोजित किया है उत्थान समिति ने। उत्थान समिति रे ऑफ होप की स्थापना एक सामाजिक संस्था के तौर पर हुई थी, जिसका मूल उद्देश्य एक क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी, यानी स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना सहयोग देना है। महात्मा गांधी के सिखाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे स्वच्छता के संदेश को अपना बल और सहयोग देने के लिए उत्थान समिति लगातार प्रयासरत है, और इस काम के लिए संस्था कई अलग अलग गतिविधियों का आयोजन करती रहती है। इसी कड़ी में एक नई पहल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड्स, और हमारा ये सौभाग्य है कि इन पहले अवार्ड्स के मौके पर हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही डॉक्टर कलाम के भतीजे APJ MJ शेख दाऊद, और कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे जनरल डॉक्टर VK सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, NRI एंड ओवरसीज अफेयर्स। एक बार पुनः हमारे अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर उत्थान समिति के चेयरमैन श्री सत्येंद्र सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। हम सभी माननीय अतिथिगण, हमारे सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत करेंगे, साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि जिन महान शख्सियतों को आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं, उनको सम्मान देने से उनसे ज्यादा उत्थान समिति का सम्मान आज की शाम हो रहा है। और पहले अवार्डी आज की शाम के हैं जाने माने सरोद वादक, पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान साहब। उनकी तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए आज वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। मैं गुजारिश करूंगी उत्थान समिति के राजेश सिंह जी से कि वो आकर खान साहब का सम्मान स्वीकार करें। कथक गुरु पद्मश्री डॉक्टर शोभना नारायण जी, प्रकाश सिंह जी को जो कि पद्मश्री हैं, XDG BSF, DGP UP एंड असम, लेकिन प्रकाश सिंह जी हमारे बीच अभी उपस्थित नहीं है, इसलिए गुजारिश करूंगी उत्थान समिति के राघवेंद्र सिंह जी को कि वो आकर अवार्ड ग्रहण करें। पद्मश्री RAM V SUTAR जी, स्कल्पचर आर्टिस्ट। पद्मश्री गुलजार दहलवी साहब को जो कि कवि हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी। जोरदार तालियां हों हमारी, इतनी महान शख्सियतें आज हमारे बीच उपस्थित हैं। पद्मश्री डॉक्टर उमा तुली, फाउंडर हैं अमर ज्योति स्कूल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन की। रेसलर एंड एक्टर, इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं, संग्राम सिंह जी। DM गौतम बुद्ध नगर, IAS नागेंद्र प्रताप सिंह जी। सुनील सेठी जी को जो कि चेयरमैन है फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट को साहू श्री अखिलेश जैन जी को। श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए सोनल कालरा जी को जो कि एडिटर हैं HT City की। उद्योगपति और प्रकाशक मिस्टर दिनेश गोयल जी। हेल्थ एंड मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर S कुमार को जो कि चेयरमैन है इंडो गल्फ हॉस्पिटल के। संगीत के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सुदीप भट्टाचार्य जी को जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। क्यों, जितना अच्छा काम हमारे सारे अवार्डीज कर रहे हैं उतनी अच्छी तालियां आप नहीं बजा रहे हैं, थोड़ी नाइंसाफी है हमारे अवार्डीज के साथ। पर्यावरण को बचाने के लिए कार्यरत इस श्रेणी में विजय पाल बघेल जी को जो कि प्रेसिडेंट हैं पर्यावरण सचेतक समिति के। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को अपना विशेष योगदान देने के लिए हिमाद्रीश सुवान को, एक स्टूडेंट हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट हैं ये। मिसेस सुलक्षणा मोंगा जी को जो कि फैशन डिजाइनर हैं। सोशल एक्टिविज्म की कैटेगरी में सम्मान के लिए सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र झा जी को। अब युवा उद्यमी की कैटेगरी में फैशन डिजाइनर हिम्मत सिंह जी को, जो कि है नहीं, इसलिए उत्थान समिति के संजीव कुमार श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि वो आकर हिम्मत सिंह जी का अवार्ड ग्रहण करें। फैशन डिजाइनर को जाता है मिस्टर निखिल ठुकराल। वीरता पुरस्कार पा चुके लाभांशु शर्मा जी। साइंस की कैटेगरी में के कबिलान को जो कि यंग साइंटिस्ट हैं। लोक गीत संगीत की श्रेणी में यश भारती अवार्डी मिसेस मालिनी अवस्थी जी। आज के लाइफ टाइम अचीवमेंट ये अवार्ड जाता है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को जो कि पद्म भूषण है, फाउंडर सुलभ इंटरनेशनल के। बिंदेश्वर जी हमारे बीच नहीं है, इसलिए निवेदन करूंगी डॉक्टर ललित कुमार जी से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुलभ इंटरनेशनल की, वो आए और सम्मान ग्रहण करें। उत्थान समिति के चेयरमैन श्री सत्येंद्र सिंह जी और कन्वीनर श्री राघवेंद्र जी,
पूर्व विधायक आदरणीय सिरोही जी, आदरणीय सिसोदिया जी मंच पर विराजमान, अन्य साहिबान इस अवसर पर उपस्थित, हमारे देश के सम्मानित सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि उत्थान समिति द्वारा डॉक्टर कलाम के नाम पर देश की महान हस्तियों को सम्मानित करने का काम किया गया है। उत्थान समिति के इस सकारात्मक प्रयत्न की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उनके सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अब हम एक विशेष कैटेगरी में 3 स्कूल्स को सम्मानित करना चाहते हैं। दरअसल वाघा बॉर्डर पर तैनात सिपाहियों को मैसेज और राखी भेजने का एक कॉम्पिटिशन अलग अलग स्कूलों में आयोजित किया गया था और इस कॉम्पिटिशन के 3 विनर्स जो हैं, पहला अवार्ड जाता है देहरादून पब्लिक स्कूल को, सेकेंड प्राइज जाता है चौधरी छबिल दास पब्लिक स्कूल को और इस कॉम्पिटिशन का तीसरा प्राइज जाता है सुशीला देवी इंटर कॉलेज को। Dear friends, I am delighted to participate this function. I am really happy to participate this function. It's well organized and you know, lot of credit goes to all the committee members. So congratulations to all the winners, medal awardees. The people came here to receive awards. All of them achieved big things in their life. I am very humbled to be here. With my age, I am able to participate. People was freedom fighter. You know, lot of achievements in fashion design, sports, science. So I congratulate Uttam Samiti for doing the great job here. So ray of hope, really doing a good job. Gunatitaya gunadhishaya gunapravishtaya dhimahi. मैं बहुत आभारी हूँ सबसे पहले एक इतने सुंदर आयोजन, एक इतने सुंदर व्यक्तित्व, एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व, उनके नाम से ही हमारा नाम यदि कहीं जुड़ गया और सबसे बड़ी बात सोच में यदि ये बात शामिल हो कि किसी राजनेता से ये सम्मान न दिलाकर उनके परिवार से ही यदि सम्मान मिले तो ये इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ उत्थान समिति का, जिन्होंने आज एक से एक बढ़ करके गणमान्य व्यक्तियों को, जिनमें से बहुतों के कामों के बारे में लोगों को मालूम भी नहीं है, उनको भी यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जिनके नाम से जुड़ा सम्मान ले करके एक विशेष सुख की अनुभूति होती है। आज ये वैसा ही सम्मान है। जौन सौतनिया पे संयम रे रीझे है, जौन सौतनिया पे संयम रे रीझे, संयम रे रीझे बलमा मोरे रीझे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी ने जितने धैर्य पूर्वक, जितने बढ़िया तरीके से आपने अपना समय यहाँ दिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी ने अपना बहुत योगदान दिया, उसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी इंडिया, वाकई यही होना चाहिए। अगर एक देश को उन्नति पे लाना है, तरक्की पे लाना है, तो ये कैंपेनिंग आपकी जो उत्थान समिति चला रही है वाकई बहुत अच्छा कर रही है। आपका जो एफर्ट है वो बूंद से कहीं ऊपर है। उत्थान समिति ने एक स्टार्ट करा है और आपकी जो उत्थान समिति है ये कोई 50 साल पुरानी नहीं है एनजीओ, तो अच्छी बात है कि जब उन्होंने काम शुरू करा तो एक ऐसे अच्छे विचारधारा लेके किया
तो मुझे मैं यकीन मानता हूँ कि वो जो भी वो करेंगे उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बहुत ही अच्छा काम कर रही है और मैं उत्थान समिति को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उत्थान समिति पिछले 15 सालों से इसके सफाई और स्वच्छता के लिए काम करती रही है, इसमें शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक्स टू उत्थान इंडिया। मैं कुछ भी योगदान आपके समिति का कर सकूँगी, आई बी वेरी ग्रेटफुल। बहुत अच्छा प्रयास है और हमारे जिंदगी के लिए स्वच्छता अभियान बहुत ज़रूरी है। जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, तो हमारे सुलभ की तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत आप आगे तक जाएंगे मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है।